ये वीडियो मैं उन सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ जो मुझसे पूछ पूछ के थक गए हैं कि किस तरह से हम यूएस स्टॉक्स का एक्सपोजर पाकिस्तान में रहते हुए या यूएस के बाहर कहीं और रहते हुए ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में आज सर्वा के बारे में बात करूंगा, एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो यूएई बेस्ड है। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूज़लेटर का लिंक भी मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। उसके अंदर मैं वीकली न्यूज़लेटर निकालता हूं जिसके अंदर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। आपको डेफिनेटली उसमें फायदा होगा। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। तो एज मैंने कहा कि लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यूएस के स्टॉक्स में कैसे एक्सपोजर लेना चाहिए। मैं क्योंकि इस चीज़ पे गुजर चुका था, मैंने 2011 में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं कि मैं चाह नहीं रहा था कि मैं ऐसी चीज़ बताऊं जिसके अंदर लोगों का कोई नुकसान हो या मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि मैंने उसके बाद से यूएस के स्टॉक्स में डील करना छोड़ दिया था। मैं दोबारा से रिसेंटली एक कंपनी है सर्वा, उसके थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। और उसमें अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना होता, आपके फंड मैनेजर्स आपको काम कर रहे होते हैं और फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं उसके बारे में आज आपसे जिक्र करूँगा। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ सर्वा का। सर्वा बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, इट्स ओनली 3 to 4 years old कंपनी और इसकी काफ़ी लो फीस है। फीस का मतलब ये है कि बेसिकली आप जब भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और खास तौर पे आप ओवरसीज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फीस इनकर करती है फॉर ट्रांसफरिंग द मनी टू यूएस और या रिपैट्रिएशन करने होते हैं पैसे, तो वापस पैसे मंगवाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर वो उस तरह की फीस नहीं आपको इनकर करेगी। जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं बाहर की स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके लिए बेहतर ये है कि डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर ना जाएं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करें, शुरू में देखें थोड़ा सा शुरू में इन हों चीज़ों के। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में भी पाकिस्तान में ये बोलता हूँ कि डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर ना जाएं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, 3-4 महीने 5 महीने आप उसके अंदर टाइम गुजारें और उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर उसको स्टडी करने के बाद उसमें स्टार्ट करें। और उसमें भी इवेंचुअली जब स्टार्ट करें स्टॉक मार्केट को तो उसमें भी कूद ना जाएं उसके अंदर। उसके अंदर थोड़ा सा पहले देख लें कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितने लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, कितना कर सकते हैं इन्वेस्ट, उसके हिसाब से जाएं। ये ना हो कि आप आंखें बंद करके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं और अपनी गलतियां स्टार्ट कर दें जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। इसके अलावा ये कि ये आपको ओवरऑल गुड एक्सपोजर देता है सर्वा। इसके अंदर आपको स्टॉक्स का एक्सपोजर तो मिलता है, ETFs का एक्सपोजर मिलता है इसके अंदर आपको, और गोल्ड का एक्सपोजर मिलता है इसमें आपको, क्रिप्टो का एक्सपोजर मिलता है। अब एक्सपोजर मिलने का मतलब ये है कि आप फर्ज करें चाहें कि एप्पल का स्टॉक जाके खरीद लें, वो आप नहीं कर पाएंगे सर्वा में। सर्वा में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली डिपेंडिंग ऑन आपकी रिस्क एपेटाइट। आपसे वो शुरू में क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी बेस के ऊपर आपकी प्रोफाइल बनाते हैं 5 या 6 कैटेगरीज के अंदर। उन कैटेगरीज के अंदर जब आप फॉल करवाते हैं आपको, तो फिर आपको आपकी बेस जो आपकी बेसिस होंगी उसकी बेसिस के ऊपर आपको वो रिस्क प्रोफाइल एलोकेट करेंगे और उसके हिसाब से आपको, लेट से अगर आपको वो होगा कि आप ज़्यादा यूएस के स्टॉक के अंदर डील करें तो आपकी उस प्रोफाइल के अंदर डालेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस एक्सपोजर में आ जाएंगे। तो फर्ज करें यूएस के स्टॉक जब ऊपर जा रहे होंगे तो आपकी प्रोफाइल भी ऊपर जा रही होगी, और अगर आप यूएस के स्टॉक्स नीचे जा रहे होंगे तो आपकी पोर्टफोलियो भी नीचे जा रहा होगा। इसी तरह क्रिप्टो की के केस में भी ऐसा ही है, वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और 5% या 6% ऐसी कुछ होता है, अभी देखते हैं हम कि कितना होता है वो, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करवाते हैं आपसे और उसके अंदर आप जितना भी आपका एक्सपोजर होगा उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ऊपर या नीचे हो रहा होगा। इसके अलावा और चीज़ें भी होती हैं, ETFs होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं ये। इसके अंदर शरिया कंप्लायंट का भी ऑप्शन है बाय द वे, उसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल सकता है कि शरिया कंप्लायंट अगर आप चाहते हैं तो कंप्लीट शरिया कंप्लायंट भी इसके अंदर सर्वा के अंदर ऑप्शन होता है कि बगैर आपको सोचे कि कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, हलाल है या नहीं है। और बाय द वे सर्वा जो है वो दुबई की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है फाइनेंशियल रेगुलेशन की, उसके थ्रू एक्रेडिटेड है, तो इसलिए आपको उसके लिए भी परेशानी की जरूरत नहीं है कि जाना ये पता नहीं कहाँ पर पैसे डाल रहे हैं आप। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जो आप पाकिस्तान में रहते हुए भी इवन या यूएई में रहते हुए आप कर सकते हैं, मैं उसका नाम लेता हूँ इंटरेक्टिव ब्रोकर का, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इंटरेक्टिव ब्रोकर में प्रॉब्लम यह है कि वो जो आप फीस का जो उसकी, क्योंकि सर्वा में अच्छी बात क्या है, सर्वा में अच्छी बात यह है कि आप एवरी मंथ जो भी आपके पास पैसे बचते हैं, फर्ज करें अगर आप पाकिस्तान में हैं या आप यूएई के अंदर हैं या आप दुनिया में कहीं भी हैं,
आपको सर्वा में मैंने इनसे पूछा था, सर्वा के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सिंपली आपका आईबैन नंबर होना चाहिए और उसके थ्रू आप फंड ट्रांसफर करें और उसमें आपको ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह आपको जो पैसे रिट्रीव करने होंगे वो भी हो जाएंगे। लेकिन जो फ़ायदा इसमें यह है वो ये कि आप फर्ज करें एवरी मंथ आप चाहते हैं कि मैं थोड़े थोड़े पैसे डालूं, मैं चाहता हूं कि 1000 दिरहम या 2000 दिरहम मैं महीने के सर्वा के अकाउंट में डाल दूं या मैं यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं। अगर मैं ये चाहूंगा इंटरेक्टिव ब्रोकर के थ्रू, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि यूएस के स्टॉक्स को डील कर रहा होता है, फर्ज करें मैं चाहता हूं कि एवरी मंथ मैं मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर थोड़े थोड़े पैसे डाल दूं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि इंटरेक्टिव ब्रोकर चाहता है कि आप जो भी ट्रांसफ़र करेंगे वो यूएस करेंगे ट्रांसफ़र, और जब आप वो पैसे यूएस ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी हर दफ़ा फ़ीस लगेगी, जो कि तकरीबन कोई डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपके 50-60-70 दिरहम हर दफ़ा आपके लगा करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लेट से 1000 दिरहम में डाल दिया करूँ उसके अंदर, तो आपके अच्छे खासे पैसे तो वही जो फीस है वो जो ट्रांसफ़र फ़ीस है उसके अंदर लग जाएंगे। तो बेहतर यह कि आप फिलहाल टू स्टार्ट विद सर्वर से स्टार्ट करें और बाद में अगर आपको समझ में आता है तो आप इंटरेक्टिव ब्रोकर में भी जा सकते हैं। लेकिन इंटरेक्टिव ब्रोकर का अगेन मैं कहूँ कि उसमें पॉइंट यह है कि आप एक साथ लमसम पेमेंट ज़्यादा करें, ताकि जो आपकी ये जो बार बार अगर आप महीने के करेंगे ना तो उसमें आपकी जो फीस जाएगी वो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होगी। अच्छा, अब हम देखें तो सर्वा का अकाउंट कैसे बनाना है। तो सर्वा का अकाउंट बहुत आसान है बनाना, इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इनका जो भी क्वेश्चन एज होंगे इनके कि आपने कितनी रिस्क प्रोफाइल है आपकी, ताकि ये आपको जो है उस कैटेगरी में डाल सकेंगे जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करवाना है इनको। और दूसरा ये कि उसके बाद आपसे ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आप पाकिस्तान के अंदर हैं पाकिस्तान के अंदर से भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान है, सीरिया है या इस तरह की कुछ नॉर्थ कोरिया है, उसके अंदर आप जो अगर आप रेजिडेंट हैं तो वो या पासपोर्ट होल्डर हैं तो वो नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप कहीं भी हैं तो आप कर सकते हैं, अनलेस एंड अंटिल आपके पास बैंक अकाउंट है, आई बैन नंबर है। इसकी फीस जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट 0.85% आपको लगेगी, एवरेज आप कर लें, इससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है। ये आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसके साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी ये फीस लगेगी। और ये फीस इसलिए होगी कि बेसिकली आपको जो आपको मैनेज कर रहे हैं ये उसकी फीस ले रहे हैं, बाकी जो आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे जा रहा है वो आपकी किस्मत है, नीचे जा रहा है तो आपकी किस्मत है, फीस ये इनकी जा रही होगी। तो लेट्स डाइव इनटू द स्क्रीन नाउ और देखते हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है सर्वा के। इसके ऊपर हम जाके इसके अंदर आप आए ना, तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करने को बोलेगा या इन्वेस्ट करने को बोलेगा, हाउ इट वर्क्स आवर पोर्टफोलियो, क्रिप्टो पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर फोर्ब्स ने भी इनको लिस्ट किया हुआ है और DIFC के अंदर ये लिस्टेड हैं, जहाँ जहाँ इनकी बात हो चुकी है वो बताया इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा ये कि इसके अंदर और इन्होंने अपनी डाइवर्सिफिकेशन बताई हुई है कि किस तरह डाइवर्सिफाई किया हुआ है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को, और आपका भी पोर्टफोलियो इनके साथ होगा तो डाइवर्सिफाइड होगा। और ये कैलकुलेटर है छोटा सा, जस्ट कोई ये कोई हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं इसलिए मैं इसको इसमें जा नहीं रहा अभी। और ये खैर इनकी वेबसाइट है, बहुत डिटेल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, अच्छी वेबसाइट है। प्राइसिंग में जाते हैं, प्राइसिंग के अंदर फर्ज करें आप देखते हैं तो आप फर्ज करें इसके अंदर $5,000 डालते हैं तो $5,000 आपके जो बनेंगे वो 0.85% पर ईयर होगा, जो कि पर मंथ बनता है 3.5 US डॉलर्स, तो तकरीबन कोई $40 के करीब इसकी प्राइस बन रही होगी अगर आप $5,000 डालते हैं। इसी तरह अगर आप इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा कर लें पैसे, फर्ज करें $10,000 कर दें, 15-25 और उसके बाद $50,000 के ऊपर, यस इट चेंजेस टू 0.7 रादर देन 0.85। तो आपको एक आइडिया हो गया कि ये कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो मतलब मैं उनके लिए ये बोलूँगा कि जिनके पास अभी पोर्टफोलियो बिल्टअप नहीं हुआ है और वो अभी बना रहे हैं तो वो सर्वर से स्टार्ट करें, उसमें आपको पता है ये पॉइंट लेट से 1% समझ लें इसकी फीस, 1% यानी कि आप एक साल में $10,000 डाल लें तो $100 आपके इसमें जाएंगे। वहाँ इंटरेक्टिव ब्रोकर में अगर आप डिफरेंट टाइमिंग्स में डालेंगे तो एक तो ये कि आप वो खुद कर रहे होंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी आपको, इसके अंदर ये कि आप खुद नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर ये आपके लिए मैनेज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा होगा कि रिस्क मिटिगेट होगा थोड़ा सा आपका। अच्छा, इसके अलावा ये इनका पैकेजेस हैं स्टार्टर्स के लिए, मैं आई वुड से कि स्टैंडर्ड ज़्यादा बेहतर है, जिसके अंदर मिनिमम बैलेंस $2,500 है और ये इसके ऑप्शन हैं। इसके अंदर फीस अगेन 0.85 है और इसके अलावा ये कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं कि क्या कितनी हो सकती है, ये आप पूरी तरह से इसकी डिटेल दे सकते हैं।
वॉट आई एम इंटरेस्टेड टू शो यू इज देयर पोर्टफोलियोज। तो इसके जो पोर्टफोलियो है इनके, जो कहाँ कहाँ ये इन्वेस्ट करते हैं, अब आप ये देखें पर्सनलाइज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर कन्वेंशनल, क्रिप्टो, हलाल और सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। सबसे पहले मैं अगर देखूँ तो कन्वेंशनल, अच्छा कन्वेंशनल और क्रिप्टो दोनों सेम है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि क्रिप्टो के अंदर जो है वो कन्वेंशनल को ऐड कर देते हैं, तो सॉरी कन्वेंशनल के अंदर थोड़ा सा क्रिप्टो ऐड कर देते हैं तो आपको क्रिप्टो भी मिल जाता है। तो मैं एट द एग्रेसिव साइड जाता हूँ और एग्रेसिव जाके मैं देखता हूँ कि इसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर मैक्सिमम जो कन्वेंशनल पोर्टफोलियो है वो किस लेवल का होता है। अब इसमें देखें कि रिस्क लेवल मैं जब चेंज कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर पोर्टफोलियो भी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो अगर मैं फुल ग्रोथ पोर्टफोलियो पर जाऊँगा तो यहाँ पर 5% बिटकॉइन है, 2.9% ग्लोबल बॉन्ड है, 2.9% यूएस बॉन्ड है और इमर्जिंग मार्केट के 11% के करीब हैं, जिसके अंदर डिफरेंट मार्केट्स आ सकती हैं। इसमें पाकिस्तान भी आ सकता है, इसमें इंडिया भी आ सकता है, इसमें श्रीलंका भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर 4.8% है, ये नॉर्मली यूएस की होती हैं, और डेवलप्ड मार्केट के अंदर यूएस की मोस्टली यूरोप की स्टॉक्स होंगे या यूरोप के अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक्स होंगे, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। नीचे लिखा हुआ है वैसे कि कहाँ कहाँ के स्टॉक्स हैं, इसके अलावा यूएस के स्टॉक्स जो 39% है। अगर आप इसी पोर्टफोलियो का फर्दर नीचे करते हैं टूवर्ड्स लेस रिस्क, तो आपको 5% अगेन बिटकॉइन मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन हमने जो लिया है वो बेसिकली क्रिप्टो पोर्टफोलियो लिया है। तो 5% बिटकॉइन होगा, ग्लोबल बॉन्ड्स और यूएस बॉन्ड्स, ये इनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से इनके जो प्रॉफिट रिटर्न्स हैं बॉन्ड्स के वो बहुत ही कम है, तो यहाँ तो लेना ही नहीं चाहिए, और बाकी यूएस स्टॉक्स कम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ग्रोथ परस्पेक्टिव में जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी है कि मुझे रिस्क अवर्स होना है, तो मैं कहता हूं कि अगर आप $10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो $5,000 नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डाल दें और $5,000 इसमें डाल दें, तो उससे आपको रिस्क अवर्स भी हो जाएंगे आप, और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो यूएस की इक्विटीज़ हैं उसका आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होगा, इसके अलावा बिटकॉइन का एक्सपोजर भी मिल रहा होगा। अब इसके अंदर देखें तो अच्छा हलाल पोर्टफोलियो में क्या है, इसके अंदर हलाल पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स होंगे यूएस के वो होंगे जो अप्रूव्ड होंगे इस्लामिक काउंसिल से। इसी तरह ग्लोबल स्टॉक्स में भी इसी तरह होगा। गोल्ड इसके अंदर रिस्क वाले में तो जो लोएस्ट रिस्क है उसमें तो है ही नहीं, वेरी कंजर्वेटिव के अंदर। इमर्जिंग मार्केट भी 0% है और सुकूक जो है वो 86% है। अगेन सुकूक की जो रिटर्न होंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे। तो आप मैक्सिमम पर जाएँ इधर भी एग्रेसिव के अंदर, तो ग्लोबल स्टॉक्स 64% है, यूएस के स्टॉक्स 25% है, गोल्ड 5% है और इमर्जिंग मार्केट्स जो है 6% है। आपने देखा यहाँ पर इन्होंने क्रिप्टो नहीं डाला और क्रिप्टो मुझे मिल भी नहीं रहा था हलाल के अंदर। एनीवेज इस आप इसमें एग्रेसिव के अंदर जाएंगे अगेन जो इस्लामिक जो अलाउ कर रही है इस्लामिक काउंसिल, सिर्फ ये वो यूएस के और ग्लोबल स्टॉक्स लेते हैं और गोल्ड उसमें डाल रहे होते हैं और इमर्जिंग मार्केट के 6% स्टॉक्स डालते हैं। तो ये बेसिकली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ये आपका जो आप जब जिस टाइम पे फॉर्म फिल करेंगे ना, उस टाइम पर आपको बता देगा कि आपको कहाँ पर आप कहाँ फिक्स हो जो फिट होते हैं, और उसके हिसाब से वो आपको एलोकेट करेगा आपका पोर्टफोलियो। अब इसके अंदर आप ये देखें, अब ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन ऑप्टिमल रिटर्न्स, तो कन्वेंशनल है ये, हलाल है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है, कन्वेंशनल क्रिप्टो है और सोशली रिस्पॉन्सिबल क्रिप्टो है। अब जो सोशली रिस्पॉन्सिबल और इस वाले सोशली रिस्पॉन्सिबल में मुझे नहीं पता, ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा था, लेकिन मतलब कन्वेंशनल और सोशली रिस्पॉन्सिबल में आप देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कन्वेंशनल क्रिप्टो और सोशली रिस्पॉन्सिबल क्रिप्टो में भी कोई फ़र्क नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या है इसका, मैंने इसका इतना नहीं देखा था। अच्छा इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये ETFs यूज़ करते हैं, तो वैनगार्ड वगैरह जो अगर आपने नाम सुना हो यूएस के लिए, तो ETFs बेस्ट हैं। बेसिकली अगेन जो प्रोफेशनल है ना, मुझ जैसा प्रोफेशनल जो कि नॉर्मल जॉब कर रहा है, डे जॉब है उसकी, मैं उस चक्कर में नहीं जा सकता कि मैं एप्पल के स्टॉक्स खरीदूं कल बेच दूं, आज अमेज़ॉन का खरीदूं कल बेच दूं, मैं टेस्ला खरीदूं या इस तरह की चीज़ें खरीदूं, मैं एटलीस्ट नहीं जा सकता। जो लोग कर रहे हैं उसके अंदर दे हैव टाइम टू डू दैट और गुड फॉर देम, लेकिन अगर मैं नॉर्मल बंदे की बात करूं उसके लिए बहुत बेहतर यह है कि आप स्टार्ट इससे करें, बाद में आप जाना चाहें तो प्रॉपर स्टॉक्स में जा सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था ना कि म्यूचुअल फंड में आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट्स को देखकर आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी एटलीस्ट जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक आप कोशिश करें कि इसी तरह के स्टॉक्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू इन्वेस्ट करें। इन्होंने एक जगह पर अपना पास्ट पोर्टफोलियो के पास्ट पोर्टफोलियो का रिटर्न्स भी शो किया है ना, इन्होंने 2009 से शो किया है सर्वा बैलेंस,
अब आई डोंट नो हाउ दे आर शोइंग दैट फ्रॉम 2009, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। प्रॉबेबली इन्होंने एक्सट्रापोलेट किया पीछे कि किस लेवल से स्टार्ट कर सकते थे। अब अगर हम रिस्क और बैलेंस की तरफ से जाए ना, तो रिस्क लेट से ये वाला जो कंजर्वेटिव अगर हम देखें, तो कंजर्वेटिव के अंदर मई 2009 से लेकर अब तक जो मिला है इनको, वो सर्वा कंजर्वेटिव में 121% का मिला है रिटर्न। तो इट इज़ वेरी गुड इन डॉलर टर्म्स। 10 साल के अंदर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर आपको 11% 10% के करीब का रिटर्न मिल रहा है। जबकि आप रिस्क के अंदर जाएं, मोर रिस्क ग्रोथ ओरिएंटेड, तो उसके अंदर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 194% मिल रहा है। तो इट इज़ मच बेटर कि आप रिस्क थोड़ा सा रिस्क लें। अगेन एज आई सेड, आपको अगर रिस्क अवेयर्स होना है तो इसके अंदर रिस्क अवेयर्स ना हो, इसके अंदर आप फुल ग्रोथ पे जाएं। जो पैसे आप रिस्क अवेयर्स सोचते हैं कि 50-50 होना चाहिए, तो 50% आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डाल दें और बाकी सारे इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। सारे तो नहीं, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आप खुद समझते हैं। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपनी, तो उसके अंदर फ़र्ज़ करें इसमें आप सोचा हुआ था कि 2,000 दिरहम डालेंगे, तो या आप फ़र्ज़ करें आपने सोचा हुआ था 1 लाख रुपये डालेंगे, तो 1 लाख में से 50,000 रुपये डाल दें उसके अंदर, और बाकी पैसे जहाँ कहीं और डालना चाहें जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट आपको लगती हो। लेकिन इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि ग्रोथ में ही जाए, ताकि आपका जो आपको पूरा पोटेंशियल मिलता है ना US स्टॉक मार्केट का, बिटकॉइन का, वो आपको मिले। तो लेट मी नो आपको कैसी लगी। आई एम श्योर इसमें कुछ चीज़ें क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि मैं आप मुझे कमेंट्स में डालें, मैं आपको ट्राई करूंगा रिस्पॉन्ड करने की। और मैं खुद भी इसको रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने यूज़ करना, तो मैं आपको बाय सम टाइम लाइक 2-3 मंथ्स आफ्टर कि इसमें क्या सिचुएशन है, मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तो इस तरह से है, अगर आपको देखना है तो आप इसको, इनकी हेल्पलाइन बहुत अच्छी है, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।